السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق मन जालहु अमामह का दल जन्नः व मन जालहु खल्फा ज़ाहरे साकहो यार हजरी नगरामी हम दो सलाद के बाद आज के इस प्रोग्राम में रमज़ान और क़ुरान के ताल्लुक़ से चंद बातें इन शह लज़ीज़ मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा अल्लाह रबिलामिन हमें कुरान सन्नत की रोशनी में सही बात कहने की आप सभी हजरा को ब़ौर सुनने की और हम सब को मिलकर अमल करने की तोफ़ी कता फरमाय आमीन कुरानी मजीद दुनिया की वो वाद किताब है जिसे तमाम किताबों पर फजीलत और अहमियत हासिल हैती कि रबालमीन की जानब से नाजिल की हुई किताबें तौरात तेल जबूर इन्हें भी अल्लाह ही ने नाजिल किया है लेकिन इसके बावजूद इन तमाम किताबों के वसूल कायदे और क़ानून क़ुरानी मजीद के आ जाने के बाद मनसूख करार पाए उन तमाम किताबों पर क़ुरानी मजीद के आ जाने के बाद अमल नहीं किया जाएगा क़ुरानी मजीद के वसूलों के मुताबिक जो उनके वसूल होंगे उन्हीं पर अमल होगा बक़िया और दीगर वसूलों पर अमल नहीं होगा कुरानी मजीद और माह रमज़ान इस ताल्लुक़ से चंद बातें मैं पहले आपके सामने रख दूँ ये वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरानी मजीद को नाजिल किया गोया इस एतबार से रमजानुल मुबारक और मजीद का बड़ा गहरा रिश्ता और ताल्लुक है कि इसी महीने की उस रात में अल्लाह आलमीन ने लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर मुकम्मल कुरानी मजीद को नाजिल किया जिस रात की फज़ीलत साल के तमाम रातों से कहीं ज़्यादा है अल्लाह ने फरमाया लतुल्क़दरी खैर उमिनफे शहर कि लैलतुल ललतलकदर शब कदर इज़्ज़त वाली रात हज़ार महीनों से अफजल और बेहतर है ये रमज़ान और कुरान मजीद का ये गहरा ताल्लुक है कि अल्लाह ताला ने इसी महीने में कुरान मजीद को नज़ल किया है एक दूसरा गहरा ताल्लुक कि अल्लाह के नबी जनाब महमदर रसोल सहाँ कुरानी मजीद की तिलावत हमेशा करते थे जितनी भी सूरतें, आयात नाजिल हो चुकी हों रमज़ान तक उन तमाम की तिलावत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो करते थे लेकिन जब रमजान अल-मुबारक का महीना आता तो आप वसल्लम दीगर महीनों के मुकाबले में रमज़ानमबारक में कुरान की तलावत और ज़्यादा किया करते थे एक तीसरी बात यह है कि अल्लाह आलमीन के क़दर फ़रिश्ते जिब्रील अमीन अलसलात तस्लिम अल्लाह के नबी जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यूँ तो वही और अल्लाह का पैगाम ले के आया ही करते थे लेकिन मुबारक में बतौर ख़ास जिब्रील अमीन आते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान का दौर करवाया करते थे ये रमज़ान के महीने का मसाला था इसी तरह से आप सहब कर रिजवानल तल मजमीन को ताब इन एज़ाम को बजुर्गान दीन को आप देखेंगे अगर किताबों का मताल करें तो पता ही चलेगा कि दीगर महीनों के मुकाबले में सहाबा तबयन तबा तबिन महदिन अईम दिन ये तमाम के तमाम रमज़ान मुबारक के महीने में कुरान की तलावत का कुरान के समझने का कुरान अमल करने का कुरान के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने का दीगर ग्यारह महीनों के मुकाबले में ज़्यादा अहतमाम किया करते थे हती कि मैं इमाम मालिक र्ल की बात बताऊँ जो मुहद्द हैं इमाम के साथ मुहद्द हैं और जिन्होंने हदीस की एक किताब लिखी है जिसे आपने सुना होगा मोता इमाम मालिक मोता इमाम मालिक रमजान मुबारक का महीना आता ये वक्त का मुहदस और इमाम मदीना रमजान के महीने में हदीस का दर्श छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ कुरानी मजीद का ज्यादा जाद से ज्यादा एहतमाम किया करते थे इन तमाम अमलों से पता ये चलता है कि रमज़ान का और कुरानी मजीद का बड़ा गहरा आपस में रब्त है और ताल्लुक है एक और दूसरे नाही से मैं आपको बताऊं कि तीन चीजें बतौर खास ऐसी हैं कि जिनमें मजीद और माह रमजान दोनों मुश्तरक हैं दोनों शामिल हैं सबसे पहली बात यह है कि रोजे के फर्ज किए जाने का मकसद क्या है आप जानती हैं ना रोजा के फ़र्ज़ किए जाने का मकसद खुद अल्लाह ने बताया लकुम तौन ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए ये रोजे का मकसद है और कुरान मजीद भी इससे इस्तेफादा करने वाले कौन हैं यूं तो कुरान तमाम लोगों के लिए नाजिल हुआ हद नास ने कहा सारी कायनात के लिए रहनुमाई करने वाला है लेकिन इस रहनमाई से फायदा कौन उठाते हैं ने शुरू ही में कहा, किताबो ला है ये किताब हिदायत है मुत्तकियों के लिए माना यह कि मुतकी लोग ही इससे ज़्यादा इस्तेफ़ादा करने वाले हैं और फायदा उठाने वाले हैं तो तकवा में दोनों मुश्तरक हैं कुरान भी और रमजान ये दोनों तखवा में मुश्तरक है एक दूसरी बात जिसमें दोनों का इश्तराक पाया जाता है वो है क़ुरब इलाहीब इलाही के मा रमज़ान के रोज़े के जरिए अल्लाह की कुरबत हासिल होती है इसी तरह से कुरानी मजीद के ज़रिए भी अल्लाह की कुरबत हासिल होती है मैं आपको दलील दूँ अल्लाह के नबी जनाब महमदर रसोल्ला सल्ला वम ने फ़रमाया कि अल्लाह तरमाता है रोज़े के बारे में असो रोज़ा मेरे लिए है यूं तो सारी इबादतें अल्लाह के लिए हैं, लेकिन रोजे की अहमियत को उजागर करते हुए अल्लाह आलमीन ने रोजे की नस्बत अपनी जानिब की और कहा मोली रोजा मेरे लिए है व ना ही बही और मैं ही उसका बदला दूंगा गोया रोजे के जरिए रोजेदार को अल्लाह से कुर्बत हासिल होती है इसी तरह से आप देखिए कुरानी मजीद के ज़रिए भी अल्लाह रबीन का क़ुरब और नजदीकी हासिल होती है सही बुखारी की रवायत है ओसीैद बिन हु तहो का वाक़ा है कई जगहों पर इमाम बुखारी रुम ने नक़ल किया है कि एक दिन ओसीैद बिन हु तहो कुरानी मजीद की तिलावत कर रहे थे कुरानी मजीद की तिलावत कर रहे थे इत्फ़ाक से उनका घोड़ा बगल में बधा हुआ था वो बिदकने लगा उछल कूद करने लगा उनका बेटा यहिया बगल में सोया हुआ था छोटा सा लड़का डर हुआ कहीं घोड़ा उछलते कोते मेरे बेटे यहिया को कुचल न दे पढ़ना बंद कर दिया जैसे ही पढ़ना बंद कर दिया घोड़े ने बिदकना बंद कर दिया फिर जब दोबारा पढ़ना शुरू किया तो घोड़े ने बिदकना शुरू कर दिया बहरहाल कई मरतबा इस तरह हुआ सुबह को अल्लाह के नबी जनाबे सल्हम की खिदमत में हाजरी दी और सारा वाकयान ये शकीनत थी जो तुम्हारे कुरान की तिलावत करने, करने और पढ़ने की बुनियाद पर नाजिल हुई थी शकीन से मुराद क्या है अल्लाह की रहमत है अल्लाह के वो फरिश्ते मुराद हैं आज जो अल्लाह की रहमत को लेकर के आते हैं मकसद ये था कि ये फरिश्ते थे जो अल्लाह की रहमत के साथ तुम्हारे पास आए हुए थे और उन्हें फरिश्तों को देख करके तुम्हारा घोड़ा लगा था गोया क्या पता चला कुरानी मजीद की तिलावत की बुनियाद पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और रहमत और किस पर नाजिल होती है जिसका और जिसकी नजदीकी अल्लाह से बढ़ती है जितनी ही ज्यादा अल्लाह से कुर्बत आएगी उतनी ज्यादा अल्लाह की रहमतों का नजुल होगा एक तीसरी चीज जिसमें कुरानी मजीद और माह रमजान ये मुश्तरक है रोजा मुश्तरक है कुरानी मजीद क़यामत के मैदान में कुरानी मजीद की तिलावत करने वाले की सिफारिश करेगा इसी तरह से रोजा भी रोजा रखने वाले की सिफारिश करेगा क़यामत के दिन रोजा कहेगा अल्लाह ये तेरा फला बंदा है जिसने तेरी खातिर भूख और प्यास को बर्दाश्त किया सारी तकलीफें और मशक्कतें उठाई इसलिए इसे जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाए और जन्नत में जगह दे दी जाए सिफारिश करेगा रोजा अल्लाह आलमीन रोजे की सिफारिश कबूल करेगा इसी तरह से कुरान भी आएगा और कहेगा अल्लाह ये तेरा फला बंदा है जिसने शक बेदारी की रात जागा महज इसलिए कि मुझे पढ़ रहा था मेरी तिलावत कर रहा था मेरी तिलावत की खातिर इसने शब्बेदारी की आरत जगाई जुग किया की रात में जागता रहा इसलिए इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल की जाए अल्लाह रबीन रोज़े की भी सिफारिश कबूल करेगा तो ये तीन चीज़ें जिसमें रोज़ा और कुरान दोनों मुश्तरक है तकवा में सिफारिश में कर्बे यही में इसलिए हमें इन दोनों चीज़ों का एहतमाम बतौर खास रमजान के महीने में करना चाहिए और रमज़ान का महीना ना रहे तो ऐसी सूरत में कुरानी मजीद जो हमारे लिए हमारे पास हमेशा मौजूद रहने वाला है जो अल्लाह की क़ुरबत का और अल्लाह के यहाँ सिफारिश का जरिया है हमें रमज़ान के अलावा भी इसका एहतमाम उसी कदर करना चाहिए जिस तरह से हम रमज़ान के महीने में किया करते हैं लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है वही अफराद जो रमजान के महीने में दो मरतबा तीन मरतबा चार मरतबा कुरानी मजीद खत्म कर लेते हैं रमजान के बाद ग्यारह महीने जो गुजरते हैं उन ग्यारह महीनों में उन्हीं लोगों से अगर पूछ लिया जाए तो बमुश्किल कोई ऐसा मिलेगा जो एक आध मरतबा कुरान खत्म करे ग्यारह महीने में वरना बहुत सारे अफराद तो ऐसे भी मिलते हैं जो कभी कुरान उठा के देखते नहीं हैं ऐसा मसला है कि नहीं है मेरे भाइयों मैं बताऊं आपको कुरानी मजीद से बेताल्लुकी बेत्लुकीन मजीद से एराज और दूरी कुरान मजीद से रिश्ते को कमज़ोर कर देना ये हमारे लिए वाली जान है हमारी तबाही का जरिया है इसलिए कि कुरान मजीद तो आया था इसलिए कि उसकी तिलावत की जाए कुरानी मजीद इसलिए आया था कि उस पर अमल किया जाए कुरानी मजीद इसलिए आया था कि उसे समझा जाए कुरानी मजीद इसलिए आया था कि उसके पैगाम को दूसरों तक पहुंचाया जाए लेकिन सारी चीजों को छोड़कर सबसे आसान चीज तिलावत करना उससे भी आज मुसलमान को कुरानी मजीद को है। मजीद अपने सीने से नहीं लगाता है कसम लेने की बात आए तो उठा लेता है कुरान खानी की नौबत आए हा तो फर फर सुन और सुना लेता है सब कुछ कर लेता है लेकिन कुरानी मजीद को रब की कुर्बत हासिल करने की नीयत से कुरान मजीद को इस नीयत से कि क़यामत के दिन मेरा सिफारसी बने मुसलमान कुरान से अपने आप को बहुत दूर उसके रिश्ते को बहुत कमजोर करता चला जा रहा है इसलिए मैं आपको ये आज बताना चाहूँगा कुरान मजीद और रमज़ान के रिश्तों और दोनों के दरमियान ताल्लुक के बताने के बाद कि अगर हमने कुरान से दूरी इख्तियार की है कुरान मजीद को छोड़ा है कुरानी मजीद से रोगरदानी की है तो ऐसी सूरत में आप यकीन जानिए दुनिया की सारी किताबें आप छोड़ दें दुनिया की सारी किताबों पर अमल करना छोड़ दें कोई मसला नहीं है लेकिन अगर कुरानी मजीद से आपने दूरी इख्तियार की कुरानी मजीद पर अमल करने से रो गर्दानी किया तो यकीन जानिए दुनिया के अंदर भी तबाही खबर की मंजिल में भी तबाही आखिरत के मैदान में भी तबाही चंद मिसाले में आपको आ, देने की कोशिश करूंगा और उन मिसालों के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या वो बाल आ सकता है दुनिया के अंदर क्या परेशानी आ सकती है बहुत सारी परेशानियाँ हैं लेकिन एक दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कुरानी मजीद से एराज और दूरी के नतीजे में शैतान का तसल्लुत और शैतान का कब्जा हमारे ऊपर और हमारे घर के अफराद पर होगा शैतान भूत और प्रेत हमारे घरों पे गालिब आएंगे इसलिए कि आप ये जानिए कि कोई भी जगह खाली नहीं होती या तो अल्लाह के फरिश्ते होते हैं या तो शैतान होता है या तो अल्लाह के फरिश्ते या शैतान अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो शैतान रहेगा आपके साथ सही काम कर रहे हैं तो आपके साथ फरिश्ता रहेगा एक वाकया मैं सुना के आगे बढ़ूंगा हजरत बकर ताला अल्लाह के नबी वसल्लम के पास बैठे हुए थे कई सहाबा थे का, के अंदर ये है। एक आदमी आया और अब्दीक रद्ल तहो को बुरा भला कहने लगा हजरत बकर खामोश रहे सुनते रहे सुनते रहे लेकिन जब पानी सर से ऊंचे हो गया तो जवाब देना शुरू कर दिया जब जवाब देना शुरू किया अल्लाह के नबी वसल्लम उठ करके चलता बने अब सोचा शायद अल्लाह के नबी मुझसे नाराज हो गए इसलिए जा रहे हैं गए पीछे पीछे कहा अल्लाह के नबी आप उठ के चले क्यों आए कहा देखो जब तक तुम खामोश थे वो आदमी तुम्हें उल्टा सीधा बोल रहा था फरिश्ता तुम्हारी जानिब से जवाब दे रहा था लेकिन जब तुमने जवाब देना शुरू कर दिया फरिश्ता वहां से चला गया और शैतान वहां आ गया और नबी के लिए मुनासिब नहीं किया ऐसी जगह बैठे जहां शैतान हो क्या पता चला फरिश्ते रहेंगे या शैतान अब हमारी एक जिम्मेदारी है अपने पास फरिश्तों को रखना चाहते हैं या शैतान को रखना चाहते हैं तो मैं मैंने क्या कहा कि कुरानी मजीद से एराज और दूरी के नतीजे में शैतान का तसल्लुत और कब्जा होता है मैं नहीं कहता अल्लाह का कलाम कहता है वो मैया शिक्रहमानद लहू शैताना फह अल्हु करीन अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो बंदा रहमान के जिक्र से जिक्र से मुराद मुरादरीन कहते हैं अलमुरादेजिक्र होना यहाँ जिक्र से मुराद कुरानी मजीद है यानी जो कुरान मजीद से एराज करेगा दूरी अख्तियार करेगा अपने ताल्लुक को आ तोड़ देगा कुरान से नीग लहु शैताना अल्लाह फरमाते हैं हम उस बंदे के ऊपर शैतान को मुसल्लत कर देंगे शैतान को कब्जा दे देंगे फहुआ लहु करीन और ये शैतान उस आदमी का साथी और दोस्त बन जाएगा अब आप बताइए शैतान अगर हमारा साथी और दोस्त हो जाए तो इस मजलिस और इस मस्जिद में लाएगा नहीं यहां नहीं लाएगा सिनेमा हॉल में ले जाएगा झगड़ों वाली जगह में ले जाएगा गाली गलूज वाली महफिलों में, में ले जाएगा यहाँ नहीं लाएगा इसलिए कि शैतान हमारा साथी है और शैतान को ये सारी चीजें पसंद नहीं है जहां हम बैठे हैं और जिस जगह हम बैठे हैं तो आप अगर अंदाजा लगाना चाहें कुरानी मजीद की शायद की तस्दीक अमली तौर पर देखना चाहें तो आप अंदाजा लगा लें जिन घरों के बारे में ये मशहूर है कि यहां शैतान आते हैं इनकी बीवी को पकड़ता है इनकी बेटी को पकड़ता है इनके फला आदमी को पकड़ता है आप आ, मालूम मालूम हासिल कर लीजिए वहां कुरानी मजीद की तिलावत नहीं होती है और जिन घरों में कुरानी मजीद की तिलावत मिला होती है थोड़ा सही या ज्यादा कुरानी मजीद की तिलावत होती है आप वहां जाके पता लगा लीजिए शैतान का गलबा या शैतान के असर किसी भी तरह से उस घर के अंदर नहीं होते जिसमें कुरानी मजीद की तलावत की जाती है इसलिए कि जहाँ कुरानी मजीद की तलावत की जाएगी वहां फरिश्ते होंगे और जहां फरिश्ते होंगे वहां शैतान नहीं आ सकता है तो ये अल्लाह ने फरमाया कुरान से एराज करने की सूरत में शैतान का गलबा होगा इसलिए अगर आप चाहते हैं कि शैतान का गलबा और कब्जा आपके घरों पे हो आप कुरानी मजीद से दूरी अख्तियार कीजिए और अगर चाहते हैं कि हमारे घर में रहमत के फरिश्ते आए शैतान ना आए शैतान का गलबा ना हो तो आप कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कीजिए और कुरान मजीद की तलावत नागा रोजाना ज्यादा ना सही थोड़ा ही सही रोजाना कुरानी मजीद के घरों में तिलावत कीजिए ये तो दुनिया की एक मिसाल मैंने दी बहुत सारी मिसालें हैं आइए दूसरी दुनिया जो कबर की मंजिल है कबर की मंजिल के बारे में मैं आपको बताऊं आपने बारहा सुना होगा और सुनते हैं जानते भी हैं कबर में जब एक मुर्दे को लिटा दिया जाता है लिटाने वाले वापस होते हैं फरिश्ते वहां आते हैं उठा के बैठाते हैं और सवाल करते हैं कितने सवाल करते हैं तीन सवाल करते मर रबो का तुम्हारा रब कौन मा दीनों का तुम्हारा दीन क्या है मन नबीओ का तुम्हारे नबी कौन है ये तीन सवाल सवाल बड़ा आसान है जवाब भी बड़ा आसान है लेकिन ये जवाब कौन दे पाएगा मेरा रब अल्लाह मेरा दीन इस्लाम मेरे नबी मोहम्मद रसुल्लाम एक से डेढ़ लाइन में पूरा जवाब आ जाएगा कोई बड़ा मसला नहीं है लेकिन एक से डेढ़ लाइन ये जवाब कदर की मंजिल में फरिश्तों के सवाल में कौन दे पाएगा आइए आज ही मैं बताने की कोशिश करता हूं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे से जब यह सवाल किया जाएगा मोमिन बंदा है उसने तीनों सवालों का जवाब दे दिया मेरा रब अल्लाह है मेरा दीन इस्लाम है मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है फरिश्ते चौथा सवाल करेंगे आप जान लीजिए तीन सवाल कर लेने के बाद जब जवाब मिल जाएगा चौथा सवाल भी आपको सुनना पड़ेगा और चौथे सवाल का जवाब देना पड़ेगा फरिश्ते चौथा सवाल क्या क्या करेंगे कि तुम्हें इन तीनों सवालों का जवाब कैसे मालूम हुआ तुम्हें इन तीनों सवालों का जवाब कैसे मालूम हुआ यह बड़ी अहम बात है वो बंदा जवाब देगा करा तो किताब अल्लाही, करा तो किताब अल्लाही, तो बेही वसद्दक तो। मैंने अल्लाह की किताब कुरान लाया और उसकी तस्दीक किया फरिश्ते कहेंगे हाँ यही वजह है कि तुम्हें इन तीनों सवालों का जवाब बड़ी आसानी से आ गया और तुमने सवालों का जवाब दे दिया क्या पता चला कुरानी मजीद से अगर हमारा गहरा ताल्लुक है तो ऐसी सूरत में इन तीनों सवालों का जवाब बड़ी आसानी के साथ दे ले जाएंगे लेकिन अगर मजीद से हमारा ताल्लुक नहीं है मजीद से एराज और दूरी अख्तियार की है हमने कुरानी मजीद से अपने रिश्ते को तोड़ा है तो ऐसी सूरत में आप जानते हैं क्या होगा फरिश्ता जब सवाल करेगा ये तीनों सवाल और जवाब नहीं बन पड़ेगा हा हा लादरी हाय अफसोस मुझे नहीं मालूम हाय अफसोस मुझे नहीं मालूम हाय अफसोस मुझे नहीं मालूम तीनों सवालों के जवाब में जब ये मुनाफिक बंदा है या काफिर बंदा है ये जब कहेगा हाय अफसोस मुझे नहीं मालूम आप जानते हैं फरिश्ते क्या कहेंगे ला दरेता सही बुखारी के अल्फाज हैं ला दरेता वला तलेता तूने कुरान मजीद की तिलावत नहीं किया है कुरानी मजीद को समझने की कोशिश नहीं किया है फरिश्ते कहेंगे उस बंदे से जो जवाब नहीं दे पाया है ला दरेता तूने कुरानी मजीद को समझने की कोशिश नहीं किया तोने कुरानी मजीद की तलाव दुनिया के अंदर नहीं किया है क्या पता चला फरिश्तों के सवालों का जवाब वो बंडा नहीं दे पाएगा जिसका ताल्लुक कुरान से मजबूत और गहरा नहीं है और जिसका ताल्लुक कुरान से मजबूत और गहरा है इंशाल्लाह कब्र की मंजिल में फरिश्तों के तीनों सवालों का जवाब बड़ी आसानी के साथ दे ले जाएगा जब तीनों सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा फरिश्ते कहेंगे ला दरेता वला तलेता उसके बाद अल्लाह की जानिब से हुक्म होगा फरिश्ते को के हथौड़ा लेकर के उसकी कनपटी पर मारना शुरू कर देगा बहरा होगा फरिश्ता गूंगा होगा और अंधा होगा मारने वाला फरिश्ता ताकि देख करके रहम ना आए सुन करके रहम ना आए बोल करके रहम के अल्फाज इस्तेमाल न कर पाए इसलिए बहरा भी होगा अंधा भी होगा गूंगा भी होगा ऐसा फरिश्ता मुसलत कर दिया जाएगा और क्यामत की सुबह हो तक तरह से तोड़ाई और पिटाई होगी तो मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों इस वाकया से यह पता चला कि फरिश्तों के सवालों का जवाब कबर की मंजिल में कौन दे पाएगा जिसका ताल्लुक कुरान से मजबूत है और जिसका ताल्लुक कुरान से मजबूत नहीं है वो फरिश्तों के सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा आइए आगे बढ़ते हैं कबर की मंजिल के बाद तीसरी दुनिया आती है जिसे हम आलम आखिरत कहते हैं आलम आखिरत आलम आखिरत में दो तीन बातें मैं आपके सामने रखूंगा पहली बात यह कुरान से दूरी इख्तियार करने वाला कयामत जब कायम होगी कबर की मंजिल से जब उठेगा तो अंधा बना करके उठाया जाएगा यह पहली सजा है अंधा बना के उठाया जाएगा चाहे वो दुनिया के अंदर रहते हुए कुर्ला रहते हुए कल्याण देख लेता हो कुर्ला रहते हुए, बोरे देख लेता हो बड़े आराम से इतनी तेज से हो, लेकिन अगर कुरान से उसका ताल्लुक मजबूत नहीं है कुरानी मजीद की तिलावत नहीं करता है कुरानी मजीद को समझने की कोशिश नहीं करता है कुरान मजीद के वसूलों को अमली जामा पहनाने के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाता है तो ऐसी सूरत में नाबीना बना के उठाया जाएगा अल्लाह ने फरमाया व नोम क्यामत का दिन होगा असूर्फ में फूंक मारा जाएगा सारे के सारे लोग अपनी कब्रों से जब उठेंगे कुरान से दूरी इख्तियार करने वाला जब उठेगा तो नाबीना और अंधा बना के उठाया जाएगा ये सवाल करेगा रबी लेमा वक्त कुं तो बसीरा मेरे रब मेरे परवरदिगार दुनिया के अंदर तो मैं बीना था देखने वाला था आज तूने मुझे नाबीना और अंधा बना करके क्यों उठाया अल्लाह की जानिब से जवाब दिया जाएगा ते तो वह तेरे पास मेरी आयात आई तेरे पास मेरा कलाम और मेरी किताब कुरान मजीद आई तूने इस कुरान मजीद के साथ नाबीनापन का मुजाहरा किया पन का अंधे पन का जाहरा किया जैसे एक अंधा नहीं पढ़ पाएगा तूने भी उसी तरह का मामला आंख रखने के बाद भी कुरान के साथ किया जैसे तूने कुरान से लापरवाही अख्तियार की वह कदा तुन सा इसी तरह से आज तेरी क्या हालत है हाथों पर क्या बीत रही है तेरी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी ये आलमीन की जानिब से जवाब दिया जाएगा और इस जवाब को अल्लाह ने कुरान में चौदह सौ साल पहले नाजिल कर दिया है तो आखिरत के मैदान में यह पहली सजा है कुरान से एराज करने वाले की कुरान से दूरी अख्तियार करने वाले की कि उसे नाबीना और अंधा बना करके उठाया जाएगा दूसरी बात क़यामत के मैदान में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे और अपने उस उम्मती के खिलाफ रब के दरबार में मुकदमा दायर करेंगे जो कुरानी मजीद से दूरी किए हुए था आज हमारे बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग हजरात कहते हैं जो कुरान नहीं पढ़ना जानते कि हमने सीखा ही नहीं है क्या करें मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और दोस्तों इल्म सीखने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है आखिर साहब मज़मैन क्या सब के सब इस हाल में इस्लाम लाए थे और इस हाल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पे बैत किया था कि वो बच्चे थे उसमें बच्चे भी थे नौजवान भी थे जवान भी थे और बहुत सारे लोग बूढ़े थे लेकिन उन लोगों ने कुरान मजीद जो भी नाजिल होता कुरान मजीद को पढ़ते सीखते समझने की कोशिश करते और समझने के साथ अमल किया करते थे इसलिए उम्र के मरहले की शिकायत ये बेजा शिकायत है बुढ़ापे में तजारत हो जाती है बुढ़ापे में रिश्तेदारियां कायम कर ली जाती है बुढ़ापे में आना जाना हो जाता है बुढ़ापे में राय और मशवरा दे लिया जाता है सब कुछ हो जाता है कुरान मजीद ही सीखने में सारी परेशानी है नहीं ये ये लंग है की कोई हैसियत अल्लाह के दरबार में नहीं होगी बुढ़ापे की उम्र को पहुंचा बचपने में मेरे ने कुरान सीखने का मौका नहीं दिया अल्लाह पूछेगा बचपने में जिम्मेदारी तुम्हारे वालदेन की थी लेकिन जवानी की उम्र में आए जिम्मेदारी तुम्हारी थी जिम्मेदारी तुम्हारी थी बुढ़ापे की उम्र में हो जिम्मेदारी आपकी है कि इस उम्र में आप सीखिए यह उद्र पेश करके आप बच नहीं पाएंगे कि अल्लाह मैंने कुरान मजीद सीखा नहीं था या मेरे वालदे ने सिखाया नहीं था और सीखने और पढ़ने का मौका नहीं दिया था बरा लफ्ज ये करा था अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लाम कयामत के मैदान में रबालमीन के दरबार में मुकदमा दायर करेंगे मुकदमा क्या मेरी उम्मत का ये फला आदमी है जिसने कुरान को छोड़ दिया था मैं नहीं कहता खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वकाल रसूलो या रबी इन नौमी तखद कुरान महजूरा। रसूल वसल्लम क्यामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेंगे अल्लाह ये मेरी उम्मत का फला आदमी है जिसने कुरान को छोड़ दिया था महजूर बना दिया था उसे लापरवाही अख्तियार किया था उसे ताल्लुक कर लिया था उसे रिश्ता जुड़ा नहीं था मुकदमा अल्लाह के दरबार में दायर है दायर करने वाले कौन है मोहम्मद वसल्लम और अपने आ, उम्मत के अफराद के खिलाफ मुकदमा दायर किया है अब आप बताओ मोहम्मद रसोल्ला ने मुकदमा दायर किया है उम्मती की जीत हो सकती है या नबी कायन जनाब मोहम्मद सल्ला की जाहिर बात है नबी अक्रम सल्लम की जीत होगी अल्लाहमिन दुनिया के अंदर जैसे मुद्दई और मुद्दाले होता है मुद्दई जिसने दावा किया है मुद्द जिसके खिलाफ दावा दायर किया गया है मुद्दी सेबूत मांगा जाता है गवाही मांगी जाती है कि आप गवा गवाही पेश करो सबूत दो कि वाकई इस आदमी ने ऐसा किया है दुनिया के अंदर मुतालबा होता है आखिरत के मैदान में भी अल्लाह सल्लल्लाहु से इस मुकदमे पर गवाही मांगेगा कि गवाही पेश करो जिसके खिलाफ आपने मुकदमा दायर किया है वाकई वो दुनिया के अंदर कुरान से दूरी किए हुए था गवाही के लिए कौन जाएगा आपको मालूम होना चाहिए हमारे पीछे ये कुरान रखा हुआ है ये कुरान मजीद खुद जाएगा खुद जाएगा ये कुरान मजीद गवाही देगा सही मुस्लिम की रिवायत है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद ने बयान फरमायान का कुरान या तो तुम्हारे मुआफी गवाही देगा या तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा अब आप बताइए अगर कुरान से हमने दूरी इख्तियार की है तो हमारी मुआफिकत में गवाही देगा कुरान या हमारी मुखालफत में जाहिर बातें हमारी मुखालफत में गवाही देगा कुरान से हमने बेतनाई बरती है कुरान मजीद की हमने तिलावत नहीं की है कुरान हमारे खिलाफ गवाही देगा और जो हमारे खिलाफ गवाही देगा मोहम्मद रसोल्ला वसलम के मुआफत में और शहादत के तौर पर गवाही देगा जीत मोहम्मद सल्ला वसम की होगी और हार आपके उस उम्मती की होगी जिस उम्मती के खिलाफ भी मुकदमा दायर किया गया है और हार हो जाने के बाद मुकदमे में हार हो जाने के बाद क्या होता है जेल होती है सजा मुख्तलिफ किस्म की सजाएं उन्हीं में जेल भी है सजा के तौर पर वहां भी सजा के तौर पर जेल में जाना पड़ेगा और वो जेल कौन सी है वहां की जहन्नम है जहन्नम की शक्ल में वो जेल है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद ने फरमाया मन जालू अमाद मन जालू खल्फा जहरीनार अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद ने फरमाया ने इस रिवायत को सही करार दिया है रखने का क्या मतलब है ऐसे ला के रख लिया आप सामने किस लिए रखेंगे पढ़ना होगा तभी तो सामने रखेंगे वरना ताकि जीनत वो रहेगा जब पढ़ना होगा तिलावत करनी होगी समझने के लिए समझना होगा तो आप कुरानी मजीद सामने रखेंगे अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया मन जाहू अमा जिसने कुरानी मजीद को अपने सामने रखा यलल जन्न। ये कुरानी मजीद अपनी तिलावत करने वाले की क्यादत करता हुआ जन्नत तक जाएगा क्या मतलब है कुरान आगे आगे जाएगा कुरान की तिलावत करने वाला पीछे पीछे रहेगा रास्ता हमवार हुआ रास्ता रास्ते की गोया रहनुमाई करता हुआ, कुरान आगे आगे चल रहा है और कुरान की तिलावत करने वाला पी, उसके पीछे पीछे चल रहा है। कुरान जन्नत तक ले जाएगा और जन्नत में दाखिल करवाने के बाद वापस आएगा लेकिन किसके लिए जिसने कुरान को अपने सामने रखा है कुरान को की जिसने तिलावत की है कुरान के वसूलों पर जिसने अमल किया है कुरान को समझने की कोशिश किया है ऐसे आदमी को कुरान قیادت करता हुआ जन्नत तक ले जाएगा और जन्नत में पहुंचाने के बाद वापस आएगा लेकिन वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुमन जा लह खल्फ ज़हरि और जिसने कुरान को अपने पीठ के पीछे रखा क्या मतलब पीठ के पीछे रखने से माना कि तिलावत नहीं किया उसके वसूलों पर अमल नहीं किया उसके पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाया उसे समझने की कोशिश नहीं किया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद फरमाते हैं साहू यार यही कुरान इस आदमी को हांकता हुआ जहन्नम तक ले जाएगा हांकता हुआ जहन्नम तक ले जाएगा आप फर्क देखिए कुरान की तिलावत करने वाले को कुरान जब जन्नत में ले जा रहा है कुरान आगे आगे चल रहा है और तिलावत करने वाला पीछे पीछे चल रहा है और जब आप कुरान से दूरी अख्तियार करने वाले को कुरान जहन्नम की जानेब ले जा रहा है कुरान आगे आगे नहीं चल रहा है जानवर को आप दुनिया के अंदर अगर कहीं ले जाना चाहते हैं तो पीछे से हाँकते हैं क्यों ताकि दाहिने बाएं इधर उधर भागने ना पाए जहन्नमी को कुरान से रोगर्दानी करने वाले को ये कुरानी मजीद जो है आगे कर देगा और कुरानी मजीद पीछे होगा जानवरों की तरह से ये कुरानी मजीद हाँकता हुआ जहन्नम तक ले जाएगा और जहन्नम में दाखिल करवाने के बाद वापस आएगा मेरे भाइयों मेरे बुजुर्ग और दोस्तों कुरानी मजीद से एराज की ये सजा है जो आपको या एराज करने वाले को आखिरत के मैदान में मुख्तलि शक्लों में मिलने वाली है लेकिन उसके बावजूद आज हमारी हालत है जैसे मैंने इब्ता में कहा कि आज एक मुसलमान रमजान के महीने में कुरानी मजीद की बहुत ज्यादा तिलावत कर लेता है लेकिन वही तिलावत करने वाला रमजान के बाद ग्यारह महीने में ग्यारह महीने में तकरीबन तीन सौ तीस दिन में एक मरतबा भी पूरा कुरान खत्म नहीं करता तीन सौ तीस दिन मामूली नहीं है बहुत है। ज़्यादा औकात हैं बहुत ज्यादा याम हैं लेकिन कुरानी मजीद की तिलावत की तोफीक नहीं मिलती है अब आप बताइए कुरानी मजीद की अहमियत इतनी ज्यादा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसोल्ला सल्हल ने फरमाया एक हरफ की तिलावत पर कितनी निकी मिलती है दस नीकी मिलती है और एक हरफ कोई बड़ा नहीं अल्लाह के नबी वसल्लम ने मिसाल देके फरमाया मीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं ये नहीं कहता कि ला मीम पूरा एक नहीं बल्कि कहा अलिफ एक हर्फ है लाम दूसरा हर्फ है मीम तीसरा हर्फ है गोया किसी ने लिल्लाहियत के साथ नेक नियति के साथ ला मीम अपनी जुबान से अदा किया तो उसके खाते में तीस नेकियां लिख दी जाती हैं कितनी आसानी से आप ड्यूटी पे जा रहे हैं जो याद है आप पढ़ते हुए चले जाइए बजाय इसके कि और कुछ सोचे बजाय इसके कि और किसी जानी तवज्जो दें आप बस में बैठे हुए हैं रिशे में बैठे हुए हैं टैक्सी में बैठे हुए हैं बाइक चला रहे हैं किसी भी हालत में जो याद है आपको पढ़ते जा सकते हैं आराम से काम भी हो रहा है और आपके नाम आमाल में नेकियां भी लिखी जा रही है लेकिन बजाय इसके हमारा जहन दूसरी जाने मशगूल होता है एक और बात मैं बताऊं हजरत अबू हुरैरा हरेरा ता बड़े मशहूर सहाबी सभी नाम जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाले हजरत अबोरे रद्ल तकरीबन पांच हजार तीन सौ से जायद हदीसें अबू हुरैरा हरेरा रद्ल अनहों के वास्ते से लोगों तक तो पहुंची है इतनी ज्यादा रिवायतें खुलफा अरबा से भी नहीं मिली है वही हजरत अब एक दिन मदीना के बाजार में गए मदीना के बाजार में गए और बाज़ार के लोगों तुम्हें किस चीज ने आजिज और दरमादा कर दिया है आवाज का सुनना था बाजार के लोग अब हर रद्ल के पास पहुंच गए काबोरे क्या बात है आपने किस लिए हमें आवाज दी है कहा बाजार वालों यहां तुम खरीदो फरोख्त में मशगूल हो उधर नबी अ करम जनाब मोहम्मद सल अल्लाह की मीरा तकसीम हो रही है क्या तकसीम हो रही है मीरास मीरास किसे कहते हैं आप जानते हैं ना एक आदमी मर जाता है जो कुछ छोड़ के जाए वही उसकी मीराश है उसके हकदार लोग मरने के बाद जिम्मेदार के मरने के बाद आपस में हिस्से के मुताबिक बंटवारा कर लेते हैं या जुल्म जाति के साथ बंटवारा करते हैं बहरहाल बंटवारा कर लेते हैं कहा मीराश रसूल तकसीम हो रही है साहब किराम ने सोचा मीरास माल तकसीम हो रहा है नबी का कहा मीराश तकसीम हो रही है कहा मस्जिद नबी के अंदर तकसीम हो रही है देखिए इंसान सहाबा भी हैं कोई फरिश्ते नहीं है उनके दिल के अंदर भी इंसानी फितरत जागती है बेदार होती है सोचा नबी अलैहि वसल्लम का छोड़ा हुआ माल तसीम हो रहा है मदीना का बाजार खाली हो गया मस्जिद नबू के अंदर सारे लोग पहुंच गए देखिए माल मिलने की बात आई मस्जिद नबू के अंदर लोग पहुंच गए आज यहां भी अभी एक एक, एक हजार रुपया बढ़ने की बात आ जाए कि जो भी आएगा आज एक हजार रुपया मिलेगा देखो इतनी भीड़ लग जाएगी कि पुलिस भी लगाना पड़ सकता है सही है कि नहीं सही है कहा मिरासे रसूल तकसीम हो रही है कहा कहां, कहां मस्जिद नबवी में सारे लोग दौड़े हुए गए अबरे ताला नो वो मदीना के बाजार में उसी जगह खड़े हो गए जहां खड़े होकर ऐलान किया था कुछ देर के बाद लोगों ने वापस होना शुरू किया आए अब हो, तालान हो, से मिले कहा बोरेरा आपने कहाँ भेजा था कहा मस्जिद नबोई में कहा वहाँ तो ना कोई तकसीम करने वाला नजर आया ना कोई लेने वाला नजर आया ना कोई तकसीम कर रहा था ना कोई ले रहा था कहा मस्जिद नबोई में कोई चीज नजर नहीं आई कहा नजर आई कहा क्या कहा कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे कहा कुछ लोग कुरानी मजीद की तिलावत कर रहे थे कुछ लोग हलाल हराम के मसाइल के सिलसिले में तबादले ख्याल कर रहे थे हज़रत क्या फरमाया तो रसूल वसल्लम अफसोस है तुम्हारे ऊपर यही तो नबी कायना जनाबे मोहम्मद की मीरास है जिसे नबी सल्लल्लाहु वसल्लम छोड़ के गए थे अपनी उम्मत के लिए जिसे तुमने मस्जिद नबी के अंदर देखा क्या आप मीरास में छोड़ के गए थे उम्मत के लिए आपने फरमाया था आखिरी उम्र में तरफ तो फीक तगुल्ल मातमा किताब अल्लाह बह किताब्सन्नति लोगों में तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं मीरास में दो चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और उन दोनों चीजों में उसकी खसूसियत पहले आपने बताई लन तगुल्लु मातम सख्त तुम बहमा इन दोनों चीजों को जब तक मजबूती के साथ थामे रहोगे उससे अपना ताल्लुक जोड़े रहोगे लन तगुल्लु बेराह रो नहीं हो सकते गुमराह नहीं हो सकते सिराते मुस्तकम से भटक नहीं सकते और फिर वजाहत भी की क्या छोड़ के जा रहा हूं किताब अल्लाह ही व सुन्नती एक तो अल्लाह की किताब मजीद और दूसरे मेरी सुन्नत ये अर्ज करने का मकसद ये है कि इस वाकया से कि कुरानी मजीद नबी अकरम अलैहि वसल्लम की मीरास मीराश है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उस मीराश में हमारा भी है है आपका भी हक है जितना हमारा हक उतना आपका हक माल के मीरास की बात होती तो अपने हक को वसूल करने के लिए लड़ाई तक की नौबत आ जाती लेकिन आखिरत वाली दौलत का यहां मसाला है वो दौलत जो नजर आने वाली नहीं है दौलत वो दौलत नजर आने वाली नहीं है इसलिए उस दौलत को बतौर मीरास हासिल करने के लिए हमारे कदम आगे नहीं बढ़ते हम उसकी जानब तवज्जो नहीं देते उसके लिए लड़ाई भिड़ाई नहीं करते कि नहीं हम आपसे ज्यादा सीखना चाहेंगे हम आपसे ज्यादा तिलावत करना चाहेंगे हम आपसे ज्यादा कुरान मजीद से अपना रिश्ता और ताल्लुक जोड़ना चाहेंगे इसके लिए पेशकदमी हमारे और आपके अंदर नहीं होती इसलिए कि जाहिरी दौलत नहीं है बल्कि रूहानी दौलत है आखरत वाली दौलत है जो आखरत में काम आएगी कबर की मंजिल के में काम आएगी इसलिए मेरे भाइयों मेरे बुजुर्ग और दोस्तों माह रमजान में जो आने वाला है जहां हम माह रमज़ान में कुरान मजीद की ज्यादा से ज़्यादा तिलावत करें कुरान मजीद को समझने की कोशिश करें कुरानी मजीद के वसूलों पर अमल करने की कोशिश करें हमारे अंदर उतना आ, आ, सुरात और तेजी न सही उतना ज़्यादा शौक और जज्बा न सही कम ही सही लेकिन साल के तमाम अयाम तमाम दिनों में हम कुरान से अपना रिश्ता कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ के रखें एक पारा न सही आधा पारा न सही एक वरक ही सही लेकिन हम रोज़ाना कुरानी मजीद की तिलावत करके अपने रब और तालुक को कुरान से मजबूत करने की आ, कोशिश करें अल्लाह रबालमिन से दुआ है कि अल्लाह रबुआलमिन हम सब को कुरान मजीद की अहमियत माह रमज़ान की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह रबालमिन हम सब के दिलों के अंदर इन दोनों के ताल्लुक़ से जज्बा और शौक और लगन ज्यादा पैदा कर दे और इन दोनों से रिश्ता जोड़ने के लिए हमें अपना कदम आगे बढ़ाने की अदा फरमा अल्लाह आलमीन इन दोनों की बरकतों से हमें माला माल होने की तोफ़ी फरमा इन दोनों से अपना रब्त और ताल्लुक़ मजबूत से मजबूत तर करने की तोफ़ी अदा फरमा अल्लाह हम में, में जिन्होंने कुरान सीखा नहीं है उन्हें कुरान मजीद सीखने की तोफ़ी अदा फरमा जिन्होंने सीखा है उन्हें तिलावत करने की तोफ़ी फरमा समझने की तोफ़ी फरमा कुरान के वसूलों पर अमल करने की तोफ़ी फरमा और कुरान के वसूलों और पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने की तोफ़ी अदाफरमा अकुल को लिहादा वफ़र वालकम वल सामसलमकम फ़िरफ़ुररीम वाल नबी महम्मद वालाली वसाबी अजमैन बिरमती काया महिमिन वालकम वरक